हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग? गाइस, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि अब आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड आने वाला है। अब तक जो आपने इस रिलेशनशिप में देखा है, जो आपने फील किया है, मैं उसको भी देखने वाली हूँ, सो दैट आपके साथ में ये रीडिंग और रेजोनेट हो, ओके, और आपको इसे क्लैरिटी मिल सके। तो जो भी होगा व्यूवर्स, आपके सामने है, तो आपको इस रीडिंग को अपने लिए क्लेम करना है। सबसे पहले अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ओके। सो चलिए देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या नया मोड आने वाला है और अभी तक आपके रिलेशनशिप में क्या कुछ हुआ है। ओके, क्या बात है। ओके व्यूअर्स, सो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि भाई आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, क्योंकि ये जो आने वाला है ना, वो आपके लाइफ में जो आपने पास्ट में देखा है उन सबको कहीं ना कहीं वैनिश कर देगा। देखो, रिलीज़ करना और वैनिश करने में फ़र्क होता है, और एक ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके लाइफ के अंदर। ये रिलेशनशिप और लाइफ दोनों पे ही बेस मैं प्रेडिक्शन करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए नोटिस कर पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस अबाउट टू रिलीज़, बहुत कुछ आपकी लाइफ में रिलीज़ होने वाला है। क्या रिलीज़ होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे पास्ट में नज़र आ रहा है कि आप कैपेबल थे या नहीं थे, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने अपनी लाइफ के अंदर आपने एक कमज़ोरी अपने अंदर महसूस की है। कमज़ोरी किस तरह की? कि आपको डर था अंदर से कि आप, मैं ये चीज़ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा, क्या मैं उन लोगों के अगेंस्ट में कुछ कर पाऊँगी, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप किसी तरह के अपने रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी भी से भी फाइट कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, उस थर्ड पार्टी का रूप अलग हो सकता है, हम रूप की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने कहीं ना कहीं आप अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे आप। लेकिन कमज़ोर वैसे नहीं महसूस कर रहे थे आप, मतलब आप लोगों को लग रहा था क्या मैं ये एक्शन ले पाऊँगी या ले पाऊँगा, ठीक है, कैसे मैं इस रिलेशनशिप को बचाऊँगा या बचाऊँगी, क्या हो पाएगा, क्या ये मुझे मेरा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। मे बी समवेयर व्यूअर्स, आप लोग टूटे हुए तो थे आप लोग अपने अंदर से, लेकिन फिर भी एक हिम्मत के साथ में डटे हुए मुझे यहाँ पे नज़र आते हो अपनी लाइफ के अंदर। आप लोग ने फिर भी अपनी सिचुएशन का सामना बहुत अच्छे से किया है, बहुत कॉन्फिडेंटली आपने उन चीज़ों को फेस किया है, जबकि आपको डर भी लग रहा था पता नहीं मेरी जीत होगी या नहीं होगी। समवेयर व्यूअर्स, मुझे तो कुछ लोग यहाँ पे लॉस करे हुए भी नज़र आते हैं कि उन्होंने फ़ाइट करने की कोशिश भी की है, पर वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन्होंने देखा कि जिस चीज़ को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस रिश्ते को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस पर्सन से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप उसमें आपने लॉस भी किया है, हार चुके हो आप, टूट चुके हो आप, आपकी आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। आपने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, अपने रिलेशनशिप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर स्टिल आप लोग नहीं बचा पाए, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आता है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था थर्ड पार्टी आपके ऊपर काफ़ी हावी मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अब थर्ड पार्टी का रूप जो भी हो व्यूअर्स, वो अपने हिसाब से आप देख लेना, मैं जस्ट एक पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल हर एक वो रूप, चाहे वो कोई बात हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो,
चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो मनी मैटर हो, चाहे वो किसी के साथ में जुड़ना हो, चाहे वो आपके घर वाले ही आपके अगेंस्ट में हो, ठीक है, आप किसी फैमिली से डील कर रहे हो, समाज से डील कर रहे हो, लोगों से डील कर रहे हो, जो थर्ड पार्टी है वो हर एक रूप में आपकी लाइफ में यहाँ पर हो सकती है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही व्यूअर, जो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खोया है, पर खोने के साथ साथ आपने कुछ सेव भी किया है, कुछ हद तक अपने आप को बचा लिया है उस कहीं ना कहीं उस लॉस में या तो डूबने से, क्योंकि आप लोग मुझे फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को अब संभालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप अपने आप को आप देखने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि ये जो लॉस था ये काफ़ी बड़ा था, इसने आपका आपसे हर वो सुख, हर वो इच्छा आपकी, हर वो एक आपकी विश आपसे छीन ली है, ख़त्म कर दी है, जिसने जिसकी लाइफ में आपकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मे बी आपके अंदर कुछ ऐसे आपके पर्सन हो सकते हैं या फिर जो भी आपके अंदर हो, उन्होंने आपके अंदर ही कमियाँ निकाली हैं कि ठीक है आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, आप इस लाइक नहीं हो, समवेयर लाइक कि आपको ही कहीं ना कहीं ऐसा फील करा दिया गया कि ये रिलेशनशिप भी अगर टूटा है तो इसमें आप ही की गलती है, अगर आप ऐसे ना होते तो ये रिलेशनशिप हमारा चल रहा होता, यानी आपकी गलती की वजह से मैंने इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, या फिर आप ही की गलती की वजह से उस फैमिली ने, उस समाज ने, उस सोसाइटी ने आपको अपने साथ में एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आती है। लेकिन मैं फ़िलहाल फिर भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग जो अपनी लाइफ में आपको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोग अपनी बैटल हार चुके हो, आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली लॉस कर चुके हो, आपके अंदर वो अब हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में आने वाले समय के अंदर देख रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार करिए। न्यू बिगनिंग किस चीज़ में? आपकी एक स्टेबल लाइफ है, जिसमें सबसे पहले मुझे तो देखो ये कार्ड जो मिला है आपके लिए ये दिखाता है कि आप किसी के साथ में जुड़ रहे हो, किसी के साथ में भी किसी की शादी हो रही है, ये एक कार्ड ऐसा ही दिखाता है कि आपकी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, आपको जो मिला है वो कहीं ना कहीं बेहतर मिला है, जो आपके लिए कंपैटिबल मैच नज़र आता है, जो आप ही के जैसे हैं, ठीक है, जो आपको समझते हैं, जो आपका स्वागत भी करते हैं दिल खोल के अपनी लाइफ के अंदर, कुछ मुझे ऐसा ही यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में जो भी है सिचुएशन उससे आप ओवरकम करते मुझे आने वाले समय में नज़र आते हैं। ये समय व्यूअर्स ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी आपकी विश रही है, जो भी आपकी विश रही है वो विश यहाँ पे कंप्लीट होगी, ठीक है। विश आपकी क्या होगी? मे बी किसी से शादी करना होगी, ये मैं रिलेशनशिप को ही लेके जैसे रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो आपका करियर ओरिएंटेशन है, जो एक आस्पेक्ट उसको मैं अभी नहीं देख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ ये ज़रूर कह रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपकी लाइफ अब एक स्टेबल लाइफ होने वाली है। आपकी लाइफ में आप जिस पर्सन से कनेक्ट होना चाहते थे या फिर अपनी लाइफ में जो चाहते थे कि कुछ हो ना हो मेरी शादी हो जाए, कुछ हो ना हो मेरा रिश्ता बच जाए, कुछ हो ना हो मुझे वो मेरा अधिकार मिल जाए जो मुझे चाहिए था, कुछ हो या ना हो लेकिन मुझे मेरे बच्चों का, हो सकता है आपके कुछ बच्चे भी हों यहाँ पे, कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उनको उनका अधिकार मिले, ठीक है। यानी लाइफ में जो आपकी लाइफ में जो आपकी के साथ में जिन लोगों ने गलत किया है, आपके साथ में दुर्व्यवहार किया है, एटलीस्ट वो समझे कि उन्होंने क्या किया है, और आपके साथ में ये जो अन्याय हो रहा है इसे आप ओवरकम करें, ठीक है। मे बी कुछ लोग यहाँ पे मुझे कोर्ट केस में भी फंसे हुए नज़र आते हो आप लोग, तो ये बैटल जो है वो कोर्ट केस की भी बैटल है, जबकि आप लोग लड़ नहीं पा रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर होंगे जो अपने आप को उसमें अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि पता नहीं मैं इन चीज़ों को ओवरकम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, क्या होगा। सो व्यूअर्स कहीं ना कहीं देखो आप लोगों के लिए एक मैं एनर्जी यही देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग इस तरह की सिचुएशन में भी हो जहाँ पर आपके अगेंस्ट में हर कोई है, सो रिलैक्स हो जाओ कहीं ना कहीं। देखो रिलैक्स होने को मैं क्यों कह रही हूँ, सबसे पहले तो ये जो कार्ड की एनर्जी है ना, ये दिखाती है कि आपकी जो भी कहीं ना कहीं इच्छाएँ हैं, देखो यहाँ पे ये सारी आपकी विशेज हो सकती हैं, ये सारे आपके वो लोग हो सकते हैं जो आपके अगेंस्ट में रहे हों, ये कुछ भी हो सकता है व्यूअर्स, यहाँ पे जो भी आपकी लाइफ में जिन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, आपको अकेला छोड़ा है, वही आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्टर एज ए सपोर्टर खड़े हुए नज़र आते हैं, चाहे उनके दिल में चाहे जैसे भी हो, पर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है, आपका कोई आपका कुछ अहित नहीं कर पाएंगे, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिलती है। सो आपकी आने वाली लाइफ एक स्टेबल लाइफ होने वाली है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आता है।
तो ये जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और आपको जो अंदर लग रहा है व्यूवर्स कि मैंने अब तक जो भी खोया है शायद इसमें मेरी गलती रही होगी, क्योंकि उन्होंने आपकी गलतियाँ निकाली हैं, आपको मे बी कुछ अपशब्द भी कहे होंगे, आप वो जो गिल्ट है अपने अंदर से, सबसे पहले आप वो गिल्ट निकाल दो, ठीक है। तो वो जो गिल्ट है व्यूवर्स, मे बी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वो आपको मे बी अभी भी हर्ट कर रही हैं, वो बातें सारी जो उन लोगों ने आपके खिलाफ़ कही हैं, तो आप उनको रिलीज़ करो। इस टाइम फॉर रिलीज़, मतलब कि आपको ये ऐसा ना फील करो कि जो भी कुछ हुआ है उसमें आप ही की गलती है, ठीक है, या फिर आप इस लायक नहीं थे क्योंकि उन लोगों ने आपकी, देखो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आई इसलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज़ तो भी हो सकता कुछ लोगों से ये बात रेजोनेट ना करे, आप कहो कि मेरे अंदर क्या कमी थी, वो थी या नहीं थी वो आप ही जानते हो बेहतर। लेकिन जो कहीं ना कहीं आपको महसूस करवाया गया ज़्यादातर लोगों को, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपकी व्यूवर्स यहाँ पे ये है कि आप अपनी लाइफ के लिए सबसे पहले ये मैं देखो कि आपको अगर कुछ करना है तो आपको उसमें किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है या नहीं करना है, आपको आपको किसी का अप्रूवल चाहिए, आपको जब किसी की परमिशन मिलेगी तो ये आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा आपको जो करना है क्या आप उसको कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने एक्शन और प्लान्स यहाँ पे बनाओ, उसको लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तभी तो अपनी लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाओगे। तो अगर आप किसी से सोच रहे हो कि नहीं पता नहीं वो कैसा सोचेंगे अगर मैं ऐसा करती हूँ, वो कैसा सोचेंगे, वो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो ये एक तरह की बेकार की बातें हैं। कहते ना जब इंसान कामयाब हो जाता है तो वो सारी बातें अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है कि कौन क्या कहता है, आपको सिर्फ अपनी अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। बहुत सारे चेंजेस है लाइफ में कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ हर एक चेंजेस आपकी लाइफ में आपको एक मजबूत इंसान बना रहा है, और वो मजबूती ही आपको आपकी लाइफ की कंप्लीट हैप्पीनेस देती है, ठीक है। ये दो कार्ड बहुत ही स्पेशल हैं आप लोगों के लिए जो यही दिखाते हैं लाइफ में आगे बढ़ना, और जो आगे बढ़ रहे हो जिस चीज़ में, जिस फील्ड में, जिस भी तरह से, उसमें कहीं ना कहीं कंप्लीट सक्सेस को अचीव करना, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि पीछे मुड़ के बार बार अपने जख्मों को मत कुरेदो आप लोग, क्योंकि जितना जख्म अपने कुरेदोगे उतना ही वो नासूर बनेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको पीछे छोड़ देना चाहिए, कुछ लाइफ में आस्पेक्ट ऐसे होते जिनकी तरफ आपको देख के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पर कह रही हूँ कि आपने जो भी अपनी लाइफ में अब तक देखा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनसे ओवरकम करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड भी देखती हूँ, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए, क्या आपके लिए आ रहा है, एडवाइस है या कोई आउटकम है, जो भी है देख लेते हैं। ओ माय गॉड, दिस इज़ एन आउटकम, आपके लिए अबेंडेंस आई है। तो आपके लिए कोई गाइडेंस और एडवाइजेस आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता यूनिवर्स आपको देना चाहते, क्योंकि आप लोग भली भांति अपने आप को जानते हो, और जैसे बोला जाता ना कि आपको पता है कि अब आपको क्या करना है, ये मैसेजेस आपको पहले ही मिल चुका है कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि डिवाइन ने ये बोला है कि आपकी लाइफ में अब आने वाले समय में आपको कम्प्लीट अबेंडेंस मिलेगी। अबेंडेंस एक तरह से ये होती है कि जब आपकी लाइफ में कंप्लीट हैप्पीनेस हो, जब आपकी लाइफ में कहीं पे भी आपको ये ना लगे कि आपकी लाइफ में ये कमी रह गई है, या फिर आपकी लाइफ में जो आपको मिला है आप उसे सेटिस्फाई ना हो, ठीक है, मतलब आपको ये ना लगे कि मेरी लाइफ में ये कमी रह गई, और आप लगो आपको ये फील हो कि अब मेरी लाइफ कंप्लीट है, मेरी लाइफ में हर वो खुशी है जो मुझे चाहिए थी, मेरी लाइफ खुशियों के साथ में बीत रही है, ठीक है। तो ये होती है कंप्लीट अबंडेंस, लाइक कहते हैं ना एक शिखर पे जाके बैठ जाना और अपने आप को ऐसा महसूस करना जस्ट लाइक अ किंग, कि अब आप एक किंग हो, आपके हाथ में सारी वो सत्ता है, या फिर सारे वो अधिकार है, या फिर सारी वो चाबी है जिससे आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं हर एक खुशी के दरवाजे को ओपन कर सकते हो, ठीक है, जो चाहो वो पा सकते हो। दिस इज़ काइंड ऑफ अबंडेंस। तो ये व्यूवर्स आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं कंप्लीट अबंडेंस आ रहा है। तो रिलीज़ मेंटल ब्लॉक्स, ये आपके लिए यहाँ पे एक मैसेज नज़र आता है मुझे, ठीक है, रिलीज़ मेंटल ब्लॉक्स। देखो यहाँ पर पढ़ के थोड़ा सुना देती हूँ।
प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबेंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देर इज़ इनफ अबेंडेंस फॉर एवरी वन। तो आपके लिए व्यूवर्स बहुत सारी अबेंडेंस है, आप लोगों के लिए किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है इन फ्यूचर, आपको जो चाहिए वो आपको सब मिल रहा है, ठीक है। उससे बेहतर ही कहूँगी, उससे बेहतर मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अबेंडेंस ऐसी नहीं होती जिसको आप, मतलब किसी को अपनी खुशी भी अगर बताना चाहो ना तो खुशी को भी शब्दों में नहीं बता सकते। गम के लिए तो फिर भी शब्द होते हैं, खुशी को लेके मैं नहीं समझती कोई शब्द होते, क्योंकि खुशी जो होती है ना वो आपको अंदर तक ऐसा महसूस कराती है जो अनंत अनंत होती है, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो कोई भी मेंटल ब्लॉक्स हैं व्यूवर्स आपके अंदर, आपको लग रहा है कि ये मैंने ऐसे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे अंदर ये कमी थी वो कमी थी, कमी कुछ नहीं होती है, देखने वाले का नज़रिया होता है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। सो टेक केयर योर सेल्फ।